नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो को काफी पसंद किया और काफी व्यूअर्स ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि एंकल स्प्रेन में किस तरह का ब्रेस लगाया जाना चाहिए। तो आज हम ये वीडियो इस बात पे लेके आए हैं कि किस तरह के एंकल स्प्रेन में किस तरह का एंकल ब्रेस लगाना चाहिए। अगर हम एंकल स्प्रेन की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर इंजरी नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ इंजरी है। इसका मतलब ये है कि एंकल स्प्रेन बहुत छोटा भी हो सकता है, मामूली भी हो सकता है और बहुत सीरियस भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के टाइप्स के बारे में और उनमें कौन सा ब्रेस यूज करना चाहिए, कौन सा ब्रेस प्रयोग करना चाहिए। ग्रेड वन एंकल स्प्रेन सबसे मामूली साधारण एंकल स्प्रेन होता है और इसमें देखिए दो तरह के हमारे एंकल में लिगामेंट होता है, एक एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो टेलस को कनेक्ट करता है लेटरल मेलुलस के साथ और एक कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट जो कैल्केनियम को कनेक्ट करता है लेटरल मेलुलस के साथ। ग्रेड वन इंजरी में आपके लिगामेंट टूटते नहीं है बल्कि खिंच जाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स। और ग्रेड वन टेयर अगर आपको होगा तो आपको थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सूजन महसूस हो सकती है, चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी, आपकी जो स्किन है उसमें डिस्कलरेशन नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी, बहुत सूजन नहीं आएगी और स्किन का कलर चेंज नहीं होगा, नीला या काला नहीं होगा। अगर आपको ग्रेड वन एंकल स्प्रेन है तो आपके एक एंकल ब्रेस होता है जो एक कंप्रेशन बैंड की तरह काम करता है, ये प्रयोग कर सकते हैं और ग्रेड वन एंकल स्प्रेन के लिए बहुत ही अच्छा एंकल सपोर्ट है। इसमें आपके एंकल का मूवमेंट भी रहता है और इनवर्जन इवर्जन मूवमेंट जो बाहर और अंदर की तरफ का मूवमेंट है वो थोड़ा सा इसमें कंट्रोल रहेगा। अब अगर आपको ग्रेड टू एंकल स्प्रेन है, ग्रेड टू एंकल स्प्रेन का मतलब होता है कि आपको अगर एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो है वो पार्शियल टूट गया है, मतलब पार्शियल रप्चर ऑफ एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है, कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, तो आपको ग्रेड टू एंकल स्प्रेन है। इसमें आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी सूजन आ सकती है और साथ ही साथ आपको चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, चलने में हल्की सी लंगड़ाहट आपको महसूस हो सकती है और हल्का डिस्कलरेशन, मतलब आपका जो स्किन है वो थोड़ा नीला या थोड़ा काला पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम एक फ्री कास्ट ब्रेस प्रमोट करते हैं। तो ये ब्रेस किस तरह का होता है कि इसमें जो आपका दोनों तरफ एक सपोर्ट होता है और जिसको कनेक्ट करते हुए दो स्ट्रैप्स होते हैं, इसको फ्री कास्ट ब्रेस बोलते हैं। इस ब्रेस का एडवांटेज ये है कि आपका डॉर्सिफ्लेक्शन और पामर फ्लेक्शन ये वाला मूवमेंट जो है आपका एंकल ऊपर और नीचे की तरफ टर्न हो पाएगा, परंतु साइडवेज इवर्जन और इवर्जन मूवमेंट नहीं हो पाएगा और ये आपको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये फ्री कास्ट जो ब्रेस है ये आपको ग्रेड टू अगर एंकल स्प्रेन है तो इसमें बहुत ही लाभकारी है। इसमें दो स्ट्रैप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रैप्स को ढीला या लूज किया जा सकता है और दोनों की तरफ साइड में जो आपकी हड्डियां हैं उनको पकड़ने के लिए दो स्ट्रैप्स दिए हुए हैं जो आपके जो एंकल है उसको पकड़ के रखता है। तो ये बहुत ही स्टेबल ब्रेस है और ग्रेड टू अगर एंकल स्प्रेन आपको है तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेस है। आजकल आमतौर पर हम प्लास्टर कास्ट या तो कास्ट जो होता है वो रूटीनली रिकमेंड नहीं करते हैं और इस रिकमेंडेशन का कारण ये है कि जो प्लास्टर कास्ट है वो अगर हम दे देते हैं तो फंक्शन नहीं होता है और जब फंक्शन नहीं होगा तो आपका जो जो कोलेजन फाइबर्स का रिपेयर है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब हम आते हैं ग्रेड थ्री एंकल स्प्रेन के बारे में। ग्रेड थ्री एंकल स्प्रेन जो होता है उसमें आपको मेजर इंजरी होती है, सीवियर इंजरी होती है, तो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है, कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट में भी इंजरी हो सकती है और उस वो भी टूट सकता है। और अगर आपको ग्रेड थ्री स्प्रेन है तो सिग्निफिकेंट पेन होगा, आपको काफी पेन होगा, सूजन आ जाएगी, जो सूजन 4 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी बाहर की तरफ, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, काला या तो नीला हो जाएगा और आप पांव पे वजन भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर इस तरह का ग्रेड थ्री आपको एंकल स्प्रेन है, सीवियर इंजरी है, काफी सूजन है और आप पांव पे वजन नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह का एयर कास्ट ब्रेस होता है वो आपके लिए परफेक्ट होता है। इस तरह के ब्रेस में एक अच्छा सोल होता है और आप इसके ऊपर वजन डाल के चल सकते हैं।
इसको अगर मैं खोलूं तो इसमें जो ऊपर की तरफ का है एक डॉर्सल सपोर्ट होता है जो आपको ऊपर की तरफ का सपोर्ट देता है, और अंदर की तरफ इसमें एक एयर बबल होता है जो हम ये बटन को प्रेस करके फुल कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जैसे हम प्रेस करते हैं, जैसे ये बटन प्रेस करते हैं तो ये ब्रेस अंदर से इसमें हवा भर जाती है और ये आपको कंप्रेशन का भी काम देती है। तो ये जो कंप्रेशन है आपकी सूजन और इडिमा जो होता है वो कम कर देगा। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को एयर कास्ट बोलते हैं। तो ये आपको सपोर्ट भी देता है, ब्रेस भी देता है और साथ ही साथ जो सूजन आई है उसको कंप्रेस करने का काम भी करता है। अगर आप इस बटन के पास में देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन है जो एयर रिमूवल का काम करता है। तो अगर आपको इसमें से एयर रिमूव करनी है तो आप इस बटन को दबा सकते हैं और आप देखेंगे कि सारी की सारी एयर निकल गई है। तो इस तरह का एयर कास्ट जो है ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन के लिए परफेक्ट ब्रेस है जो आपको यूज करना चाहिए। कई बार हम ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन से भी सीवियर इंजरीज एंकल में देखते हैं, जो एंकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, मेल्यूलस के एवल्जन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और स्पेसिफिकली सिंडेस्मोटिक इंजरी हो सकती है जिसको ग्रेड 4 अथवा तो मेजर एंकल इंजरीज बोलते हैं। वैसी इंजरीज में एक लार्ज और अथवा तो एक्स्ट्रा लार्ज एयर कास्ट का यूज करते हैं जो सेम प्रिंसिपल पर काम करता है पर इससे भी बड़ा होता है और ज्यादा सपोर्ट देता है। ये भी सेम एयर कास्ट के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, इसमें भी एक बटन होता है जिससे हम एयर फिल कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो सिंडेस्मोटिक लिगामेंट अगर इंजरी आपको होती है तो इस तरह का लार्ज ब्रेस आपके लिए खास तौर पे यूजफुल रहता है। अगर आपको एंकल ब्रेस से संबंधित और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।